हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का फिफ्थ पीरियड है। आज हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बच्चों, इस चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस, इट इज नॉट आर्टिफिशियल, नॉट माइंड मेड। इवेपोरेशन मीन्स चेंजिंग वाटर इंटू वाटर वेपर एट रूम टेम्परेचर, इट मीन्स विदाउट हीटिंग। जो रूम टेम्परेचर है, नेचुरल टेम्परेचर है नेचर का, उस टेम्परेचर पर वाटर का किसमें बदलना? वेपर में, गैस स्टेट में। दैट इज नोन एज इवेपोरेशन, यानी प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस एट रूम टेम्परेचर। विदाउट हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इंटू गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कई बच्चे लिखते हैं एट एनी टेम्परेचर से मतलब सही नहीं है। एट एनी टेम्परेचर तो आप हीट करके 100 डिग्री की बात हो सकती है, नहीं, हीट नहीं करना है। नेचुरली एट एनी टेम्परेचर नेचुरली लिखोगे तब राइट होगा। तो बेस्ट यही लिखे आप, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इंटू गैस एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बच्चों देखो, गर्मी के दिन में भी कपड़ा सूखता है, पानी ऑपरेट होता है। सर्दी में भी कपड़ा सूखता है, पानी ऑपरेट होता है। बारिश में भी कपड़ा सूखता है, पानी ऑपरेट होता है। हर समय पानी इवेपोरेशन की प्रोसेस चलते रहते। ठंड इलाकों में भी, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में भी ठंडी रहती है, वहां पर भी कपड़े सूखते हैं, यानी वहां पर भी इवेपोरेशन होता है, यानी इवेपोरेशन में आकर एट एनी टेम्परेचर। अब इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज इवेपोरेशन एंड नेम द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन, या हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट द इवेपोरेशन। तो अपन फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन की बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन का लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। बच्चों उनमें से सबसे पहला फैक्टर हम बात करते हैं टेम्परेचर। नंबर वन, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, या कहें इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, यानी इवेपोरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल बना रहा हूं मैं, ये टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन घटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसीलिए आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में कपड़ा जल्दी सूखता है बजाय सर्दी के। पानी गर्म इलाकों में, तालाब जो है राजस्थान में जल्दी सूख जाते हैं बजाय एमपी के, और एमपी के तालाब और जल्दी सूख जाते हैं बजाय श्रीनगर के, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत कम है। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया,
इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से मतलब देखो कपड़े हैं, अगर मम्मी कपड़े धो करके यो निचोड़ती है, अब ये कपड़ा निचोड़ा हुआ है, अगर अपन इसको ऐसे रख दें, तो मम्मी ऐसे नहीं रखती है सूखने के लिए, क्या करती है इसको खोलती है, यूं फटकारती है और फिर इसको तार पे डालती है। अब देखो अब इसका सरफेस इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा सरफेस हो गया, पहले कितना सरफेस था, ये लिपटा हुआ था ऐसा चिमड़ा हुआ ऐसा, बहुत कम सरफेस था। तो ये जल्दी सूखेगा या खुला हुआ सूखेगा, खुला हुआ सूखेगा, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो पानी जल्दी ऑपरेट होगा, और इसका सरफेस एरिया कम है इसलिए पानी ऑपरेट जल्दी नहीं होगा। सेम इस चीज को और भी समझ सकते हो आप चाहो तो, एक बोतल में पानी रख लो, एक बोतल पानी बोतल में भरा रख दो, ढक्कन खोल दो, और वही एक बोतल पानी एक थाली में डाल के रख दो, कौन सा पानी जल्दी सूख जाएगा, थाली वाला, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो बच्चों दो फैक्टर तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये हो गए, और तीसरा बात आ रही है ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर नमी, अगर एटमॉस्फेयर ह्यूमिड ज्यादा है, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब वन अपान, यानी ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये ऊपर का आंसर घटेगा, और नीचे की वैल्यू घटेगी तो ऊपर का आंसर बढ़ेगा, यानी ह्यूमिडिटी मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन, लेस ह्यूमिडिटी मोर इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी समझ गए, बारिश के समय की जो हवा होती है वो मोर ह्यूमिड होती है, उस हवा में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो कपड़ा ज्यादा जल्दी सूखता नहीं। चौथा फैक्टर जो है यहां मैं लिख देता हूं, फोर्थ फैक्टर, दैट इज द इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, हवा की स्पीड, हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। मम्मी कहते हैं हवा चल रही कपड़े डाल दो छत पे जल्दी सूख जाएंगे, बारिश के दिन में भी, कारण हवा क्या करती है ह्यूमिड एयर को उड़ा करके दूर ले जाएगी, वहां की ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो कपड़े इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाएगा, तो विंड की स्पीड जो है वो भी इवेपोरेशन को बढ़ाती है, मोर स्पीड मोर इवेपोरेशन, लेस स्पीड लेस इवेपोरेशन, ये चारों फैक्टर आप याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हाउ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड टेम्परेचर सरफेस एरिया ह्यूमिडिटी, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये बढ़ेंगे तो इसका क्या होगा, ये घटेंगे तो इसका क्या होगा, क्लियर बच्चों। अब एक बात बड़ी अच्छी सी है, देखिए जब इवेपोरेशन होता है कब, पानी को जब अपन बॉइल करते हैं तो अपन हीट देते हैं, वो टेम्परेचर ले लेकर के जाता है ऊपर, लेकिन अब सोचो जब इवेपोरेशन हो रहा है तो उसको हीट कहां से मिल रही इतनी, तो वो क्या करता है इवेपोरेशन में अपने सराउंडिंग से वो पानी के मॉलिक्यूल हीट लेते हैं, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो हवा में उड़ने लगते हैं। तालाब जहां रहता है वहां की हवा ठंडी होती है, क्योंकि हवा के ही हीट कौन ले लेता है, तालाब के पानी के मॉलिक्यूल, वो लेके ऑपरेट होते हैं, और पानी के भी ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल जो है नीचे वाले मॉलिक्यूल की हीट लेकर के उड़ जाते हैं, इसलिए तालाब में कभी भी हाथ डालोगे आप तालाब का पानी हमेशा ठंडा मिलेगा, गर्म नहीं मिलेगा, कारण क्योंकि ऊपर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं नीचे वालों का हीट ले लेकर के उड़ते रहते हैं, इसलिए पानी ठंडा रहता है, यानी इवेपोरेशन का जो इफेक्ट है आसपास में दैट इज द कूलिंग इफेक्ट, दैट इज द कूलिंग इफेक्ट। तो जरा देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे एग्जाम में, मैं क्वेश्चन नहीं देता हूं,
समझा देता हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में करना जरूर आता है। वाटर प्रेजेंट इन अर्थन पॉट रिमेंस कूल, ठंडा रहता है, रिमेंस कूल। वाह, क्वेश्चन है वाटर प्रेजेंट इन अर्थन पॉट, अर्थन पॉट का मतलब मटका, मिट्टी का बना हुआ पॉट, अर्थन पॉट। वाटर प्रेजेंट इन अर्थन पॉट रिमेंस कूल, व्हाई? क्यों मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों जाता है? बच्चों उसमें तीन बातें रखेंगे आप। पहली बात यह, आपने देखा होगा जो अर्थन पॉट होता है उसमें छोटे 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 छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक। मान लीजिए अर्थन पॉट मैंने अपने बनाया एक छोटा सा, इसमें पानी भरा हुआ, अर्थन पॉट है, पोर्स जगह जगह उसमें क्या है, बारीक बारीक छेद, इतने भी छेद नहीं कि पानी एकदम तेजी से बाहर आ जाए, सिपिंग करता पानी, सिप करके थोड़ा 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 रिश्ता रहता है उससे, आता है क्या है, पोर्स। तो पहली बात आपको बताना पड़ेगा अर्थन पॉट है पोर्स। दूसरी बात, थ्रू पोर्स वाटर सीप्स आउट कम्स आउट, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आ गया सरफेस पे, ये वाटर आ गया बाहर। अब ये वाटर क्या होगा, इट विल इवेपोरेट, ये धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेशन के लिए हीट कहां से लेगा, इट विल टेक हीट फ्रॉम इनर वाटर, मटके के अंदर का जो पानी है उससे हीट ले लेगा, हवा से हीट ले लेगा, इसलिए मटके के आसपास ठंडक रहती है। तो आपको ये बातें, तीन बातें बतानी इसमें, अर्थन पॉट है पोर्स, सो वाटर कम्स आउट, दिस वाटर इवेपोरेट एंड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम इनर वाटर एंड सराउंडिंग, सो द वाटर फिल्ड इन अर्थन पॉट रिमेन्स कूल, ठंडा रहता है। ये आपको आंसर खुद को लिखना, डायग्राम बना दिया और समझ के लिखना, यही तीन बातें बतानी है, पोर्स रहता है, पानी बाहर आता है, और ये पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन के लिए हीट चाहिए, कहां से लेगा हीट, अंदर वाले पानी से हीट लेगा, ठीक, और सराउंडिंग से हीट लेगा, इसलिए वो इवेपोरेट हो जाता है। बच्चों यही एक बात और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो वो भी मैं करा देता हूं आपको। अपन अगर एक गिलास में, मान लीजिए स्टील के गिलास है, इसमें आइस आपने अंदर रख दिया, ये आइस, और थोड़ी देर के बाद आप सरफेस पे क्या ऑब्जर्व करोगे गिलास के, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर वाली आई बाहर, नहीं अंदर वाली आ ही सकती क्योंकि स्टील का गिलास, तो पानी आया कहां से, यही क्वेश्चन आता है। व्हेन वी फिल आइस इन ए टम्बलर वी ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ टम्बलर, व्हाई? होता कहां से, देखो बच्चों यहां एयर है, यहां पर एयर है, एयर में भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, और यहां के जब एयर का हीट कौन ले लेगा, आइस, आइस एब्जॉर्ब कर लेगा एयर की हीट को, आइस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एयर की, एयर क्या हो जाएगी फिर, कूल होगी, कूल होगी तो उसमें का पानी क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस का मतलब हो गया गैस से लिक्विड बन जाएगा, और जो गिलास के पास का पानी हो यहां जमा हो जाएगा, क्लियर है? ये भी क्वेश्चन नोट कर लो, Why we observe water droplets
ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर इन विच आइस इज पुट, जिसमें आइस रखी हुई है उसके बाहरी सरफेस पे हमको वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों ऑब्जर्व करते हैं? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आइस टेक द हीट फ्रॉम द, पहले ये लिखो कि एयर कंटेन मॉइस्चर, एयर क्या करती है, एयर में मॉइस्चर होता है, फिर आइस प्रेजेंट इन टम्बलर एब्जॉर्ब द हीट ऑफ वाटर, यहां से क्या ले लेगा, यहां एयर है, एयर से क्या ले लेगा, हीट, एयर बिकम्स कूल, सो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ टम्बलर, सो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ टम्बलर। ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन। अब एक चीज अपन बात करते हैं कि यहां डिफरेंस की बात अगर नहीं करेंगे, ये भी बड़ा आईएमपी है, 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, ये जो 2 क्वेश्चन बताए मैंने बड़े आईएमपी आते हैं एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ये भी आता है एग्जाम में, बॉइलिंग और इवेपोरेशन का डिफरेंस। तो अपन कह सकते हैं इवेपोरेशन इट इज सरफेस फिनोमेना, इसका मतलब इसमें जो पानी के जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वही इवेपोरेट होते हैं, वही भाग लेते हैं, नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल ऐसे वैसे पड़े रहते हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द इवेपोरेशन। जबकि बॉइलिंग कैसा है, इट इज बल्क फिनोमेना, बल्क फिनोमेना से मतलब बल्क माने ज्यादा, सारे मॉलिक्यूल भाग लेते हैं बॉइलिंग में, जब आप भगोने को गैस पर रख दो जब वो खोलेगा तो नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे, ऊपर वाले नीचे जाएंगे, आप देखना भगोने में ऑब्जर्व करके खड़बड़ 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 पूरे पानी में चलता रहता है, इसका मतलब बल्क माने ज्यादा, सभी मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, इसलिए कैसे फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना। दूसरा, इट काजेज कूलिंग इन द सराउंडिंग, इन द सराउंडिंग, जहां पर भी ये होगी, ये ऑपरेशन होगा, वहां के आसपास में क्या होगा, कूलिंग होगी, और इसका क्या होगा, अगर मान लीजिए कहीं पर भी पानी बॉइल हो रहा, खड़े रहोगे तो आपको हीट फील होगी, इट काजेज हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट इन सराउंडिंग, ये भी आता है बच्चों एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को करना जरूरी है, सराउंडिंग में हीटिंग इफेक्ट करता है। तीसरा, ये स्लो प्रोसेस है और ये फास्ट है, इट इज स्लो और इट इज फास्ट, और ये नेचुरल प्रोसेस और ये मैनमेड प्रोसेस है, और ये इट इज मैनमेड। तो 4 डिफरेंस इन दोनों में कर लोगे तो एग्जाम में करीब ये 4 पॉइंट लिख दोगे, मेन मेन पॉइंट यही है, इसके अलावा और भी बना सकते हो लेकिन आपको 4 पॉइंट ये समझ में आना चाहिए, ये दोनों के 4 डिफरेंस आप तैयार कर लोगे, लिख लोगे। बच्चों यहां ये ऑपरेशन का टॉपिक अब हमारा खत्म होता है, अब बात आती है एक और लास्ट की बात रह जाती है, हाँ यहां पर एक और क्वेश्चन समझा दो मैं थोड़ा सा आपको, ये ऑपरेशन से रिलेटेड,
गर्मियों में जब हमको हीट लगती है, गर्मी लगती है, तो हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है। स्वेटिंग करने से हमको आराम मिलता है, कूलिंग होती है। क्यों भाई, स्वेटिंग से कूलिंग कैसे मिलती है? जब स्वेटिंग होगा हमारे बॉडी पे, तो सरफेस से वो स्वेट क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो हमारे बॉडी की हीट लेकर के जाएगा पानी। स्वेट पानी हीट कहां से लेगा, हीट हमारे बॉडी से, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, इससे हमको कूल फील होता है। सेम एक ऐसे ही, क्या पौधों को गर्मी नहीं लगती? पौधों को भी गर्मी लगती है। इसलिए आपने देखा होगा गर्मी आने से पहले पौधों की सारी पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और एकदम से बसंत ऋतु में नई पत्तियां बियर करता है। ढेर सारी पत्तियां हो जाती हैं, पूरा पेड़ हरा भरा दिखता है। ऐसा क्यों, वो टाइम निश्चित क्यों है? Why plants bear more leaf before the arrival of summer? क्वेश्चन बनता है Why plants bear more leaves before arrival of summer? समर के अराइवल से पहले पौधे ज्यादा लीव्स क्यों बियर करते हैं? मोर लीव्स विल हैव मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया मोर इवेपोरेशन, मोर इवेपोरेशन मोर कूलिंग, पौधे को ठंडक मिलेगी। पौधे को भी गर्मी लगती है, इसीलिए गर्मी से बचने के लिए ढेर सारी पत्तियां वो बियर करता है। दो फायदे हो जाते हैं, साल भर का वेस्ट भी जमा रहता है पत्ती में, वो भी गिरा देता है और नई पत्तियां बियर कर लेता है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। ज्यादा पत्तियां ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा इवेपोरेशन, ज्यादा इवेपोरेशन ज्यादा कूलिंग, पौधे को ठंडक ज्यादा मिलती है। ये क्वेश्चन ये भी आप करेंगे। अब बच्चों लास्ट टॉपिक है, हालांकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए लेकिन आ सकता है आपको, ये है फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग तो तीन ही स्टेट पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे दो साइंटिस्ट ने 1920 और 1924 में दो अलग अलग स्टेट और डिस्क्राइब किया उन्होंने। हालांकि उन स्टेट का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। टू मोर स्टेट ऑफ माइंड, उसमें बच्चों एक स्टेट तो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये उस स्टेट का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बच्चों पहला है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो दो साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, बोस एस एन बोस हमारे इंडियन साइंटिस्ट, आइंस्टीन का नाम सुना ही आपने। कंडेंसेट की मीनिंग बताता हूं यहां कहां फिट होते हैं। इन लोगों का कहना था, एक्चुअली आइंस्टीन ने बात करी कि अपन एक पांचवी चौथी स्टेट की बात कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई सॉलिड लिक्विड गैस तो है लेकिन अगर कोई गैस है उसकी डेंसिटी हम डिक्रीज कर दें कितना, 1 लाख टाइम, यानी उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, क्या करें, डिक्रीज डेंसिटी वन लाख टाइम्स और फिर इसका टेम्परेचर गैस का क्या करो, कम करो, कूल इट अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर दोगे तब क्या होगा, जाओ जितने पार्टिकल है पास पास तो आ नहीं पाएंगे, बहुत दूर दूर रहेंगे, उनकी डेंसिटी कम है तो, और ठंडा होते से क्या होगा, जो जहां है वहीं फ्रिज
हो जाएगा, रुक जाएगा। अब सोचो ना तो वो सॉलिड पैक हो गए मॉलिक्यूल, ना तो पास होकर लिक्विड बन पाए, ना तो गैस होकर के मूवमेंट कर रहे हैं, ना तो उसमें गैस की प्रॉपर्टी है, ना तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ना तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। जो जहां है वो वहीं फ्रिज जाएगा। जैसे इस समय हम लोगों की अभी लॉकडाउन से पहले हर आदमी अपने अपने जगह शहर में बिखर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, फिर रहा था, लॉकडाउन हो गया है, जो जहां है वहीं फ्रिज हो गया है। सेम ऐसे ही इसमें क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जहां है वो वहीं ठहर जाएंगे। अब देखिए ये गैस का, जो जहां वहीं रुक गया, अब ये मूव भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि गैस तो मूवमेंट करता है, गैस भी नहीं रहेगी, लिक्विड ही नहीं रहेगी, पास पास आके लिक्विड बन जाए, और अब ये सॉलिड भी नहीं रहे। इस स्टेट को नाम दिया उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। देखो तीनों का मीनिंग है, आइंस्टीन ने इसको ढूंढा था, इसको जो है कहते हैं अपन के एक एस्टिमेट किया था, और इसकी रिटर्न वर्क जो है फाइल में काम लिखा जो है, लिखने का काम किया था बोस ने, एस एन बोस। और कंडेंसेट का मतलब हो गया कि उसको टेम्परेचर को डाउन कर देने से गैस कंडेंस होगी, कंडेंस होगी, इसलिए कंडेंसेट। एक ये भी स्टेट है जो कि ना तो सॉलिड स्टेट है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है, इसे इसको नाम दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। इसमें करते कैसे हैं, डिक्रीज डेंसिटी वन लाइफ टाइम्स, कूल इट अप टू 0 डिग्री सेल्सियस, देन एयर पार्टिकल्स विल कंडेंस एट देयर पोजीशन। अपने जहां पोजीशन होती वहीं पर वो कंडेंस हो जाएंगे, और डिस्कवर इसको किया था आइंस्टीन ने। ये तो क्या ऊपर लिखता हूं मैं, डिस्कवर्ड बाय आइंस्टीन, फॉलोड बाय फॉलोड रिटेन पेपर बाय एस एंड बोस। ये हमारे इंडियन फिलोसफर थे, इन्होंने इसको रिटेन वर्क दिया। तो आपको समझ आ गई होगी बात बच्चों। पांचवी स्टेट है, इसको चौथी नाम दे दो और पांचवी मैं बताता हूं। पांचवी कह रहे हैं प्लाज्मा स्टेट, कौन सा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट से मतलब ये कल्पना की जा रही है कि अगर कोई इनर्ट गैस है, अनरिएक्टिव गैस है, उसको इतना ज्यादा टेम्परेचर दें कि उसके इलेक्ट्रॉन्स आउट हो जाएं, इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस जो रहेगा वो चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर हो जाए पूरा, वो दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट का जो एग्जांपल है, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में क्या होता है, चार्जेज फ्लो होकर के एकदम से आते हैं, चार्जेज आयंस के रूप में चार्जेज फ्लो करके आते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। सन के अंदर भी, सन के अंदर इतनी हीट मिलती है कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ऑर्बिट खत्म हो जाती है, न्यूक्लियस बच गया, वो आपस में फ्लो होते रहते, मिक्सअप हो जाते हैं, दैट इज द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा स्टेट को ढूंढने वाले इरविंग लैंगमुर साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड बाय बाय
इरविन लैंगमुर इन 1920 कब ढूंढा गया था इसको 1920 में। तो ये क्या है, प्लाज्मा स्टेट क्या हो गई, इट इज द मिक्सचर ऑफ गैस आयन एंड इलेक्ट्रॉन, इट इज मिक्सचर ऑफ गैस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, गैस आयन्स और इलेक्ट्रॉन का ये मिक्सचर, एंड इट कैन कंडक्ट द करंट। ये फर्स्ट बात, ये सेकंड बात और ये थर्ड, इट कैन कंडक्ट करंट। ये स्टेट कहां मिलेगा, एग्जांपल इसका लाइटनिंग इन सन, सन से मतलब सभी स्टार में कह सकते हैं, इन स्टार्स, इनके अंदर जो है प्लाज्मा स्टेट मिलती है। न तो ये सॉलिड स्टेट है, न तो लिक्विड स्टेट है, न तो गैस स्टेट है, यहाँ पे आइटम आइटम नहीं रह जाता है, सारे आयंस बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और आयंस जो है आपस में खिचड़ी होकर के फ्लो होते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। बच्चों एक और एग्जांपल है, अर्थ का आयनोस्फीयर, अर्थ आयनो स्फीयर, यहां पर भी पूरे आयंस का ही मिक्सचर है, वो भी कौन सा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट। तो बच्चों क्लियर हो गई होगी बात आपको, पांच स्टेट हो गई, सॉलिड लिक्विड गैस, और ये दो स्टेट और बता दिया मैंने एक्सटर्नल नॉलेज के लिए, एग्जाम में ये आते नहीं है, लेकिन आप नॉलेज के हिसाब से उसको पढ़ेंगे। इसकी डिस्कवरी 1920 में हो गई और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को डिस्कवर किया था 1924 में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को कब डिस्कवर किया गया, इसके चार साल बाद 1924 में। बच्चों हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है, इसके बाद में आपको एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस करने हैं, अंदर वाले भी एक्सरसाइज वाले भी। अब आपको दो दिन का गैप दिया जाएगा, इसके बाद में नया लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इन दो दिनों में आप लोग अपना नोट्स बना के कंप्लीट कर लो, और इसके अलावा एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके बच्चों, हैव यू गुड डे।